MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। छतरपुर जिले के लौकुश नगर थाना क्षेत्र के चरही पुरवा गांव में युवक का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मगर यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा दिख रहा है और जमीन के लिए आरोप प्रति आरोप लगाए गए, मगर यह तो पुलिस जांच और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह आत्महत्या है या हत्या। लौकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलकोरा के चरही पुरवा गांव निवासी अनवार खान का शव घर पर ही फांसी पर लटका हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि हमारे बेटे ने फांसी नहीं लगाई, उसकी हत्या कर उसको टांग दिया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। मृतक की मौत का कारण अभी अज्ञात है, मगर ग्रामीणों की माने तो मृतक दिमागी तौर पर कमजोर था, मगर मृतक के परिजन इसको हत्या बता रहे। अब हत्या है और आत्महत्या की थ्योरी क्या है, यह घटना के बाद चर्चा का विषय बना है और यह चर्चा आखिरी में आकर सिर्फ और सिर्फ 5 बीघा जमीन पर आकर रुक जाती है। लौकुश नगर पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। साहब इसको कागज में डाल दिया है साहब। किसने? सत्ता ने। कब? कल डाल दिया साहब 5 बजे शाम को। सुबह मिला है हमको तो फोन पहुँचा है हमारे पास। क्या हुआ था? कुमार ने डाल दिया। मैटर क्या हुआ था? मैटर साहब जमीन जमीन के बारे में चलते, उसने हमको बताया था कि जमीन के बारे में हमको मामा जमीन दे रहे थे लोग। अच्छा। क्या हम तुझे माल पे मार के डाल रहे हैं, तो हमने उससे भले से कहा था तुम बाप हमारे पास आ गया, तो वो बोलो का ठीक है तो हमारे पास नहीं गया, तो हमारी बहन के पास रोहतक चला गया, वहाँ पर काम करता रहा। फिर ने फोन लगाया उसको कि तेरी दीवार गिर गई तुम यहाँ आया, तो बोलो अब नहीं आ रहा है। फिर ने लगाया उसके पास फोन के तेरी दीवार गिर गई, तो वो बोलो के मामा तो हम अपनी दीवार बनवाया आया, काम नहीं लगा वो हो रहा, तो हम बनवाया दीवार, तो दीवार बनवाने आया यहाँ पे, फिर इन्होंने उसको मार के और डाल दिया। सत्तार खान मेरी बड़ी बहन का लड़का है। अच्छा। और ये चिरही पुरवा में रहता है। इसके पहले हमारी बड़ी दीदी की शादी वहीं हुई थी चिरही पुरवा में, तो वो यहाँ बगमऊ में रहती है काफ़ी दिन से। अच्छा। और ये लड़का जो अनवर है जो अभी जिसका ये डेथ हो गई है, तो ये दोनों चचेरे भाई भाई हैं। अच्छा। और इनकी बचपन से माँ चली गई थी छोड़ के जब ये पैदा हुआ, तो फिर इसके बाद पिता गुजर गए थे, तो उसका बचपन से ले गए अभी तक का पालन पोषण सब उसकी देख रेख सब हमारे बहन बहनों ने की है। अच्छा। और फिर जब शादी लायक हो आया तो फिर ये सत्तार भी बाहर कमाने खाने जाने लगा, वो लड़का भी साथ में जाने लगा अनवर, तो फिर वहाँ दिल्ली भी काम वाम करते रहे, फिर वहाँ से यहाँ आए दो महीने का बढ़िया अच्छा तालमेल चलता है रहा। फिर शादी की बात आई, एक लड़की बताई इनके फूफा जी ने कि शादी करना हो तो इसकी कर दो, यहाँ तो हो नहीं पाना है क्योंकि लड़का ज़्यादा सुंदर नहीं था देखने देखने में, तो फिर इनने भैया ने कहा ठीक है अगर है कोई लड़की तो शादी कर ही दे रहे, तो फिर इन्होंने शादी की उसकी सत्तार में, शादी की उसकी अनवर की। 4 लोगों में पंचायत में फैसला हुआ कि इसका पैसे का खर्च कौन उठाएगा, तो कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था, तो फिर सत्तार की बहनोई ने और सत्तार ने उनकी शादी में पैसा लगाया। पंचायत में फैसला हुआ कि जब तक तुम्हारा शादी का पैसा नहीं चुक जाएगा तब तक तुम इनकी ज़मीन जोतते बोते रहना, तो फिर सत्तार ने कहा कि ना मुझे ज़मीन चाहिए जोतने बोने के लिए, वो भी मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं अकेला हूँ, दूसरा वो मेरा भाई हो गया, जब हमने बचपन से उसको पाला पोसा है बड़ा किया, तो हम उसकी शादी का पैसा नहीं चाहिए। तो ये इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये इल्ज़ाम कितने पैसे सत्य है, क्या है, कैसा है? जी बिल्कुल झूठ है। अगर मारना होता तो जब इनकी माँ छोड़ के चली गई थी छोटा सा 6 महीने का बच्चा, तो तब से इतना बड़ा किया है पाल पोस के, कुछ दिन बुआ के यहाँ भी रहा है, तो बुआ के यहाँ रहा तो उनने भैंसे ऐसे चरवाई होंगी, घर में होता है सब कोई काम कराता बच्चों से, तो फिर वो वहाँ से भाग आया था, कह रहा था हमें भैंसे चरवाते हैं भरपेट खाना नहीं मिलता, तो हम आ गए बुआ के यहाँ से, तो फिर यहाँ हमारी दीदी ने कहा कि बेटा हमने तो पहले कहा था यहीं बने रहो काहे को जा रहे हो, तो बोले अब हम यहीं रहेंगे, तो बस फिर यहीं दीदी के यहाँ बने रहे।
यहीं इन्होंने पाला पोसा, इन्होंने शादी की।